Hello friends, welcome to Gates Measure. The topic is classless addressing. The concept of classless addressing came in 1993 after the concept of classful addressing. Classful addressing में हम IP addresses को 5 classes में divide कर देते हैं. उसकी वजह से flexibility की problem आती है और क्या उसके अलावा problems और we can say disadvantages आती हैं classful addressing में, उसके लिए आप मेरी video को follow कर सकते हो. और यहाँ पे इस video में हम सिर्फ classless addressing के concept के बारे में discuss करने जा रहे हैं. Classless addressing start करते हैं. First of all, the first point is कि no classes, मतलब यहाँ पे आप भूल जाइए कि कोई class A, B, C, D कुछ है. यहाँ पे कोई funda नहीं है classes का. यहाँ पे concept क्या है? Blocks का. Blocks मतलब कि user अगर मेरे को बोल रहा है कि मेरे को X amount of IP addresses चाहिए, तो मैं उसको X amount of IP addresses यहाँ पे provide कर रहा हूँ. मतलब जो user की demand है, उतने size का block मैं यूजर को प्रोवाइड कर रहा हूं. लेकिन क्लासफुल एड्रेसिंग में यूजर का कोई लेना, यूजर कह रहा है कि मेरे को लेट्स से कि अगर मेरे को 1000 आईपी एड्रेसेस चाहिए, तो वहां पे 1000 आईपी एड्रेसेस वाला कोई फंडा नहीं है. हो सकता है कि अगर मैं क्लास ए का एड्रेस दूं, तो क्लास ए में मेरे नेटवर्क में 1 करोड़ एड्रेसेस मिल रहे हैं. तो यूजर ने सिर्फ 1000 डिमांड की है, लेकिन मैं उसकी डिमांड को एज इट इज फुल नहीं कर सकता अगर मैं क्लासफुल एड्रेसिंग को फॉलो कर रहा हूं. तो क्लासलेस एड्रेसिंग में आईपी एड्रेसेस की वेस्टेज जो है वो बहुत कम होती है, बिकॉज़ जो यूजर की डिमांड है, मैं उतने साइज का ब्लॉक जो है, ब्लॉक मतलब कि कितने आईपी एड्रेसेस उसको चाहिए, मैं उतने ही आईपी एड्रेसेस उसको प्रोवाइड करूंगा. बिकॉज इट इज हैंडल्ड बाय IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी. जितना यूजर बोलेगा उतना ब्लॉक साइज उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. नाउ ब्लॉक का यहां पे मतलब क्या है कि वन इज अ ब्लॉक आईडी एंड अनदर इज अ ब्लॉक होस्ट आईडी. मतलब वहां पे हमारे पास होता था नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी. यहां पे हम बात कर रहे हैं एक ब्लॉक की. तो ब्लॉक का एड्रेस, तो यहां पे भी IPv4 की ही बात करें, तो IPv4 में आईपी एड्रेस 32 बिट का ही है, लेकिन अब उसमें जो MSV बिट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ब्लॉक की आईडी. मतलब ब्लॉक जो है, जो हम नेटवर्क की बात करें, आप ब्लॉक की जगह नेटवर्क भी ले सकते हो, बट इट इज नॉट फिक्स्ड एज क्लासफुल. और बाकी के जो बिट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, उस ब्लॉक में कितने होस्ट हैं, दैट इज व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग. वी विल सी विद द एग्जांपल. नेक्स्ट इज द नोटेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नोटेशन इन क्लासलेस एड्रेसिंग इज x.y.z.w. means वही मेरे पास 4 octet है, एक octet x, y, z and w. लेकिन जो नई चीज है वो क्या है? slash n. slash n notation का मतलब क्या है यहाँ पे? कि ये n represent कर रहा है यहाँ पे mask. इसको आप mask भी बोल सकते हो, या फिर number of bits represent block या फिर नेटवर्क. ये n का फंडा यहां पे क्या है कि अदरवाइज अगर मेरे को कोई आईपी एड्रेस दिया होगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि उसमें होस्ट कितने हैं या नेटवर्क की आईडी क्या है? तो इसको मेरे को बताने के लिए यहां पे स्लैश n हेल्प करेगा. बिकॉज़ n क्या है, वहां पे मास्क की तरह काम कर रहा है. मास्क मतलब कंटीन्यूअस वन, जितने नंबर ऑफ वंस हैं, दैट इज व्हाट रिप्रेजेंटेड बाय स्लैश n, जिसको हम क्या बोल सकते हो दूसरी टर्म में, कि नंबर ऑफ बिट्स used to represent the network ID part, network ID part or block ID part, that is what n. एक example से देखते हैं हम. Let's say 200.10.20.40/28. अब आपको पता है कि ये तो एक normal IP address जो आपने पहले भी देखा है. यहाँ पे एक नई चीज क्या है? /28. अब ये /28 का concept क्या है यहाँ पे? कि 28 number of ones है. 28 number of ones है. मतलब कि जो नेटवर्क आईडी का पार्ट है वो 28 बिट्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है. तो फिर होस्ट आईडी का पार्ट कितना हुआ? अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि 32 बिट का आईपी एड्रेस है, तो ये 28 क्या है? ये है. तो यानी बाकी कितना बचा? 32 माइनस 28, दैट इज 4. बिकॉज 28 और 4 कितना हुआ? 32. So, यहां पे जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यहां पे कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द क्लास, जैसे हम वहां पे होता था कि ये सी क्लास में बिलोंग करता है. यहां पे कोई क्लासेस का कांसेप्ट नहीं है, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द क्लास ऑफ दिस आईपी एड्रेस. यहां पे आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि इस आईपी एड्रेस को, मतलब ये आईपी एड्रेस किस नेटवर्क में बिलोंग करता है और उस नेटवर्क में कितने होस्ट हैं. तो आपको सबसे पहले ये स्लैश उठा लो.
28 का मतलब क्या है? Number of continuous one, मतलब network ID का part. तो network ID का part कितने bit का है? 28 bit का. तो host ID का part कितना हुआ? 32 minus 28, that is 4. तो यानी number of bits used to represent the host, 4. तो कितने number of host हुए? 2 raised to power 4, that is 16. तो यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन जो आता है कि number of host कितने हैं इस network में, वो क्या है? 16. नेक्स्ट पार्ट इज कि ये तो एक आईपी एड्रेस है. आईपी एड्रेस का मतलब क्या है कि कोई एक नेटवर्क है किसी एबीसी ऑर्गेनाइजेशन का, उस एबीसी ऑर्गेनाइजेशन में एक आईपी एड्रेस है, ये वाला 20.40 वाला. लेकिन उस एबीसी नेटवर्क की आईडी क्या है? मतलब सारी दुनिया आपको इस आईडी से थोड़ी ना जान रही है, ये तो उस नेटवर्क के अंदर कोई एक आईपी एड्रेस है, वन ऑफ द आईपी एड्रेस है, दैट इज 10.20.40. लेकिन इस नेटवर्क का आईडी क्या है, उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे? हम मास्क के साथ एंड करते थे. लेकिन अब यहां पे मास्क कैसे फाइंड करते थे क्लासफुल में? हम हर एक क्लास का एक अपना मास्क होता है. जैसे क्लास ए का 255.0.0.0, बी का 255.255.0.0. ये मैंने आपको वहां पे पुरानी वीडियोस में क्लास ए बी सी की वीडियोस में वहां पे मेंशन किया हुआ है. यहां पे मेरे को मास्क नहीं पता, लेकिन मैंने ऑलरेडी बताया आपको ये एन क्या है, मास्क ही है, मतलब नंबर ऑफ वंस ही है. आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब 1111111.1111111.1111111.1111100000. ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है? कितने नंबर ऑफ वंस है? 28. तो 8, 16, 24 और 4, 28. आप इसको अब मास्क में कन्वर्ट कर लो. यू ऑलरेडी नो व्हाट इज कंटीन्यूअस 8 वंस. 255.255.255. ये तो तीनों 255.255.255 बन गए. नाउ व्हाट इज दिस? ये यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 128, देन इट इज 192, देन 224, देन 240. मतलब यहां पे जो आपका मास्क क्या बन गया, ये वाला आपका मास्क बन गया, दैट इज 255.255.255.240. This is the mask of this network. अब आपको यहां पे इस IP address की network ID find करने की, IP address किस network से belong करता है, तो आपको एक simple सा concept बता रहा हूं कि इस network में ना, इस IP address में 28 bits को start करना है आपको MSB से, मतलब आपको बिल्कुल left hand से start करना है. 28 bits को तो बिल्कुल भी छेड़ो मत, 28 bits को तो as it is रखो. 28 bits का मतलब क्या है? 200 में कितने bits आ गए? मतलब ये represent कर रहा है 8 bit, ये represent कर रहा है 8 bit, ये represent कर रहा है 8 bit. 8 दो ना 16, 8 तीन 24, मतलब 24 bit तो मेरी आ चुकी है. सिर्फ 40 को खोल लो, 40 को मतलब binary में represent कर लो. 40 को अगर मैं binary में represent करूं तो क्या आएगा? 0 0 1 0 1 0 0 0, 2 raised to power 0, 1, 2, 3, that is 8, 16, 32, 32 and 8, yes, 40. अब करना क्या है आपको, एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूं कि आपको 28 bit, आपको पता है कि 28 bit नेटवर्क का पार्ट है, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कभी भी नेटवर्क की आईडीज को चेंज नहीं करना होता, क्योंकि नेटवर्क की आईडी चेंज कर दी ना तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही चेंज होगी, मतलब आपका पूरा का पूरा नेटवर्क ही चेंज हो गया. तो नेटवर्क की बिट को बिल्कुल नहीं छेड़ना. और कितनी बिट है? 28. तो 8 बिट ये, 16, 24, अब ये बाकी के 40 को आप ओपन कर लो, बिकॉज 4 बिट यहां पे उठानी है. तो 8 बिट यहां होगी, 16 यहां होगी, 24 यहां होगी, और 28 तक मेरा ये आ गया, मतलब आप यहां तक 0010 तक आप इसको ले लो. अब ये आपकी जो है टोटल कितनी बिट्स होगी यहां पे? 28. मतलब इन बिट्स को तो आपको छेड़ना नहीं है. बाकी क्या बची? ये 4 बिट बची, और आपको ऑलरेडी पता है कि होस्ट बिट कितनी है? 4. तो यानी ये 4 बिट ही तो बचेंगी होस्ट बिट के लिए. अब इन होस्ट बिट को आप क्या कर दो? 0 कर दो, मतलब सारी होस्ट बिट को क्या कर दो? 0, मतलब इसको मैं 0000 कन्वर्ट कर देता हूं. बाकियों को एज इट इज लिखना, सिर्फ इसको जो है वो कन्वर्ट कर लो, और इसके आगे का ऑक्टेट क्या है वो एज इट इज लिख दो. आगे का ऑक्टेट क्या है? 0 0
10, मतलब ऊपर वाली बिट्स को एज इट इज लिख दिया 0010 और इन चार बिट को 00 कर दिया। इससे होगा क्या, आपको इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क पता लग जाएगा। तो बस 200 को एज इट इज लिख लो, 10 को एज इट इज लिख लो, 20 को एज इट इज लिख लो, लेकिन ये जो बची हमारे पास, ये बाकी का पोर्शन कितना बना, 0 1 2 3 4 5, 2 raised to power 5 इज 32। सो यस, आई गॉट द नेटवर्क आईडी ऑफ या ब्लॉक आईडी ऑफ दिस आईपी एड्रेस। एंड व्हाट इज द ब्लॉक आईडी, 200.10.20.32 स्लैश एन, लगाना मत भूलना, स्लैश एन मतलब स्लैश 28। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को पता लग गया कि ये आईपी एड्रेस जिस नेटवर्क से बिलोंग करता है ना, उस नेटवर्क को सारी दुनिया किस नाम से जानती है, .32/28 के नाम से। तो यानी मेरे पास यहां पे इस नेटवर्क का, इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क जो है वो पता लग गया। अगर आप दूसरा मेथड जो फॉलो करना चाहते हो वो भी बिल्कुल सिंपल है, एक ही टाइप का मेथड है। आपको डिफॉल्ट मास्क पता लग गया, इस मास्क के साथ आप इसको एंड कर दो, इस वाले को, आईपी एड्रेस को जो है वो एंड कर दो। अगर मैं एंड करूं, लेट्स से मास्क हमने निकाल लिया था, 28 को हमने ऐसे लिख लिया, अब 28 बिट्स को कॉन्टिन्यूस 1 को हमने ऐसे लिख लिया जो मैंने अभी बताया था, 10.20.40। आप इसको एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, और एंड हमने मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी कर चुके हैं कि किसी भी वैल्यू को 255 मतलब ऑल वंस के साथ एंड करोगे तो वही वैल्यू दोबारा आ जाएगी। आपको इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज कॉपी कर लो। करना चाहते हो तो आप 255 को ऑल वंस, नीचे अगर आप 200 को ओपन करोगे तो आपको ऑलरेडी उसी जगह पे ही 1 मिलेगा, बिकॉज 1 1 इज ऑलरेडी 1, तो आपका हमेशा वैल्यू सेम आ जाएगी। लेकिन ये 255 नहीं, ये 240 है, 240 का मतलब है 1 1 1 1 0 0 0 0। एंड व्हाट इज 40, 40 को अगर आप कन्वर्ट करो तो 40 विल बी 0 0 1 0 1 0 0 0, यस, सो दिस इज 40। अब इसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो, 100 100 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0, एंड इफ यू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल इट विल कम्स आउट टू बी 32। तो आप चाहे एंड कर लो इसके साथ, या एज इट इज याद रख लो कि उतनी बिट को तो छेड़ना नहीं है, होस्ट वाली बिट को आप सिंपली जीरो कर दो, दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। सो इसीलिए हम CIDR, इसको हम जो है क्लासलेस एड्रेसिंग जो है कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और काफी बार एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। आपको जो पहला क्वेश्चन आ सकता है कि आपको पता लगाना है कि इस आईपी नेटवर्क में, इस आईपी जो है वो जिस नेटवर्क से बिलोंग करता है उसमें कितने नंबर ऑफ होस्ट है, वो भी हमने निकाल लिया, और ये आईपी एड्रेस किस ब्लॉक से या किस नेटवर्क से बिलोंग करता है वो भी हमने जो है यहाँ पे निकाल लिया। अब लास्ट पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ, रूल्स, देर आर सम रूल्स फॉर द क्लासलेस एड्रेसिंग। फर्स्ट रूल इज एड्रेसेस शुड बी कॉन्टिग्यूस, मतलब उस ब्लॉक में जितने भी एड्रेसेस हैं वो क्या होने चाहिए, कॉन्टिग्यूस होने चाहिए। दूसरा, नंबर ऑफ एड्रेसेस इन अ ब्लॉक मस्ट बी पावर ऑफ 2। एड्रेसेस जो है वो कॉन्टिग्यूस का मतलब क्या है, जैसे अगर एड्रेस है 200.10.20.32 तो उसके बाद 33 34 35 36, इस तरीके से जो है वो कॉन्टिग्यूस होनी चाहिए। बीच में कोई इंटरलीव नहीं होना चाहिए, मतलब बीच में कोई स्किप नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो CIDR के अकॉर्डिंग वो वैलिड नहीं है। दूसरा, नंबर ऑफ एड्रेसेस मस्ट बी इन पावर ऑफ 2। नंबर ऑफ एड्रेसेस का मतलब है कि इस ब्लॉक में, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इस ब्लॉक में कितने होस्ट आ रहे थे, कितने नंबर ऑफ होस्ट है, 16, मतलब कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं हम इस नेटवर्क में, 16, और 16 वैल्यू क्या है, 2 raised to power में ही है, 2 raised to power 4 ही तो होती है 16। सो यस, सेकंड पॉइंट इज आल्सो वैलिड अकॉर्डिंग टू दैट। अगर आप 2 raised to power, मतलब अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एड्रेसेस इन अ नेटवर्क इज 17, तो 17 इज नॉट अ पावर ऑफ 2, तो ये इनवैलिड होगा। थर्ड पॉइंट इज, फर्स्ट एड्रेस ऑफ एवरी ब्लॉक मस्ट बी इवनली डिविजिबल बाय साइज ऑफ द ब्लॉक। मतलब जो भी आपने नेटवर्क की बात कर रहे हो, उस नेटवर्क का जो पहला एड्रेस होगा, और वो पहला एड्रेस क्या होगा, वो पहला एड्रेस उस नेटवर्क को शो कर रहा है, तो उस नेटवर्क की जो आईडी है ना वो डिविजिबल बाय होनी चाहिए किसके साथ, नंबर साइज ऑफ द ब्लॉक। अब यहां पे अगर देखो आप इसको कैसे कर सकते हो, एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूं। जैसे आपके पास ये आ गया था, ये हमारा फर्स्ट एड्रेस ही तो है,
ये हमारा जो आया था 40 वाला, इसमें 32 जो है इस नेटवर्क का फर्स्ट एड्रेस है, क्योंकि ये नेटवर्क आईडी है। अगर आप इसको डिवाइड करो, व्हाट इज द साइज ऑफ द ब्लॉक, साइज ऑफ द ब्लॉक इज 16। तो 16 को आप ऐसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है आपको एज इट इज। आपको इसको डिवाइड करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा मेथड है कि जो लास्ट ऑक्टेट है ना, मतलब आप ये 16 जो है वैल्यू 2 raised to power 4, तो जो 4 बिट्स है ना, ये 4 बिट्स यहां पे क्या होनी चाहिए, 00, मतलब जो लास्ट MSB 4 बिट्स है, मोस्ट सॉरी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है 4, वो क्या होनी चाहिए, 00 होनी चाहिए। मतलब अगर आप 32 को ओपन करो तो क्या आएगा, 32 इज 00100000। अब यहां पे व्हाट इज द साइज ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक साइज इज 2 raised to power 4, तो इसको आप करने के लिए 16 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली 2 raised to power 4 का मतलब क्या है, ये 4 बिट उठा लो, 4 बिट लास्ट की 4 बिट 1 2 3 4, दैट इज अ LSB। तो ये लास्ट 4 बिट अगर आपकी 0 आ रही है तो यानी ये इवनली डिविजिबल है। अगर यही एक आईपी एड्रेस होता 33, तो 33 के केस में यहां पे क्या आ रहा होता, 00100001, 33 में ऐसे ही आता। और 33 को अगर आप डिवाइड करोगे तो लास्ट की 4 बिट आ रही है 00, नहीं, लास्ट की 4 बिट जो है वो क्या आ रही है, 00 नहीं आ रही। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट कि नंबर, वो जो मेरा फर्स्ट एड्रेस है वो डिविजिबल बाय साइज ऑफ द ब्लॉक है या नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट द CIDR, दैट इज क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। थैंक यू।